भाई और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कुछ दिनों से अब हम भारत जोड़ो यात्रा पर कन्याकुमारी से कश्मीर जा रहे हैं। 3,500 किलोमीटर का सफर है। शुरुआत कन्याकुमारी में की, उसके बाद केरला और अब कर्नाटक। शुरुआत में हम सब ने सोचा था, मैंने भी सोचा था कि 3,500 किलोमीटर 3,500 किलोमीटर चलना आसान बात नहीं, मगर जब हमने चलना शुरू किया, पहले दिन, दूसरे दिन, पांचवें दिन, चलना काफी आसान लगने लगा। ऐसे लग रहा था कि कोई ना कोई शक्ति पीछे से पूरी यात्रा को आगे की ओर धकेल रही है। जब भी यात्रा में थकान होती है तो कोई ना कोई दौड़ता हुआ आता है, मदद करके चला जाता है। कभी छोटा सा बच्चा कुछ कह देगा, कभी कोई विकलांग व्यक्ति आके कुछ कह देगा, कभी एक बुजुर्ग व्यक्ति आके कुछ कह देगा, उन शब्दों से मदद मिल जाती है। और देखिए, ये पहली बार पब्लिक मीटिंग में बकरी आई है, भैया उसको तंग मत करो। ये यात्रा हमने क्यों शुरू की, इसका क्या मतलब है, इसका क्या लक्ष्य है, और ये जो हमें हर रोज मदद मिल रही है, ये क्यों मिल रही है, और ये जो शक्ति हमें मदद कर रही है, ये किन लोगों की शक्ति है, और ये शक्ति हमें क्यों मदद कर रही है। हमने इस यात्रा को नाम भारत जोड़ो यात्रा दिया, क्योंकि हमें लगा और करोड़ों लोगों को लग रहा है कि बीजेपी आरएसएस की विचारधारा, नफरत की विचारधारा, हिंसा की विचारधारा देश को बांट रही है, देश को कमजोर कर रही है। हिंदुस्तान पर यह एक प्रकार का आक्रमण है, यह देशभक्ति नहीं है, यह देश के खिलाफ काम किया जा रहा है। आप देखिए, एक महीने से हम यात्रा में चल रहे हैं। अलग अलग धर्म के लोग, अलग जात के लोग, बुजुर्ग लोग, युवा, बच्चे, सब एक साथ मिलकर प्यार से चल रहे हैं। यात्रा में आपको नफरत नहीं दिखाई देगी। भीड़ में किसी को चोट लगती है, कोई गिर जाता है, एकदम सब लोग उसकी मदद करते हैं। सवाल नहीं पूछते कौन से धर्म के हो, किस जात के हो, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, यह नहीं पूछा जाता, एकदम मदद मिलती है। और यह विचारधारा सिर्फ यात्रा की विचारधारा नहीं है, यह विचारधारा, यह सोच कर्नाटक की सोच है, और यह सिर्फ कर्नाटक की विचारधारा नहीं है, यह हिंदुस्तान की सोच है, हिंदुस्तान का इतिहास है। बसवना जी ने, अंबेडकर जी ने, नारायण गुरु जी ने यही बातें बोली थी, और जो उन्होंने बोला था वो कर्नाटका की सड़क पे चलने में दिखाई देता है, वो आपके दिल के अंदर है, आपके खून के अंदर है, उसको निकाला नहीं जा सकता। कितनी भी कोशिश कर लें ये लोग, 24 घंटे लगा लें, 50 साल लगा लें, ये आपके खून से, आपके डीएनए से नहीं निकाला जा सकता। हम चल रहे हैं, भाईचारे के लिए चल रहे हैं, मगर यात्रा में दो तीन और मैसेजेस हैं। यात्रा में चलते हुए मैं बहुत सारे युवाओं से मिला हूं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, और मैं उनसे पूछता हूं, क्या करना चाहते हो, पढ़ाई कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, बाद में क्या करोगे। कोई मुझे कहता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा,
कोई कहता है लॉयर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, कोई बच्ची कहती है मैं पुलिस फोर्सेस में काम करना चाहती हूं। उसके बाद मैं उनसे पूछता हूं, क्या तुम्हें लगता है, तुम्हें भरोसा है कि कॉलेज के बाद, स्कूल के बाद तुम्हें नौकरी मिलेगी? जवाब मिलता है भरोसा नहीं है, हमें नहीं लगता कि हमें नौकरी मिलेगी। आज हिंदुस्तान में 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। प्रधानमंत्री ने कहा था हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, कहां गए दोस्त 2 करोड़ रोजगार? उल्टा करोड़ों युवाओं को बेरोजगार कर दिया है। कर्नाटक में 2.5 लाख सरकारी पोस्ट वेकेंट क्यों हैं? और प्रधानमंत्री की पॉलिसियों ने, नोटबंदी, जीएसटी और उन्होंने जो कोविड के समय किया, उसके कारण 12.5 करोड़ युवाओं रोजगार खो गए। अच्छा, कर्नाटक में अगर आपको पुलिस का सब इंस्पेक्टर बनना है तो आप 80 लाख रुपए देकर बन सकते हो। पैसा है तो कर्नाटक में आप सरकारी नौकरी खरीद सकते हो, पैसा नहीं है तो जिंदगी भर बेरोजगार रहो। कोऑपरेटिव बैंक्स में स्कैम, असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरियों के लिए स्कैम, इसीलिए कर्नाटक की सरकार को 40% की सरकार नाम दिया गया है। जो भी करवाना है 40% कमीशन देके करवाया जा सकता है। तो यात्रा बेरोजगारी का मुद्दा उठाने के लिए भी हमने की है। एंड एज इफ अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट इनफ, एज इफ हेट्रेड एंड वायलेंस इज नॉट इनफ, यू आर फेस्ड विद द हाईएस्ट प्राइसेस यू हैव एवर बीन फेस्ड विद। द प्राइम मिनिस्टर इन हिज स्पीचेस यूज्ड टू से सिलेंडर्स कॉस्ट 400 रुपीज। इन एवरी स्पीच इज टू एक्सप्लेन हाउ आर मदर्स एंड सिस्टर्स आर सफरिंग बिकॉज गैस सिलेंडर्स कॉस्ट 400 रुपीज। टूडे दैट सेम सिलेंडर कॉस्ट 1,000 रुपीज। वाई डजंट द प्राइम मिनिस्टर एक्सप्लेन वॉट आर मदर्स एंड सिस्टर्स आर सपोज टू डू नाउ? द प्राइसेज ऑफ पेट्रोल एंड डीजल आर द हाइएस्ट वी हैव सीन इन अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो ऑन वन साइड यू आर हिट बाय अनएम्प्लॉयमेंट, ऑन द अदर साइड यू आर हिट बाय हाई प्राइसेस एंड यू आर बींग स्क्वीज्ड इन बिटवीन। थ्रू आउट माई वॉक आई हैव बीन मीटिंग फार्मर्स एंड एवरी सिंगल फार्मर आई मीट आई आस्क हिम अबाउट हिज सिचुएशन। आई आस्क हिम हाउ मच मनी ही पुट्स इन टू हिज फार्म एंड देन आई आस्क him or her how much money she gets out of her farm, and it is very obvious that farmers simply cannot make money without help. And instead of helping the farmer, for the first time India's farmers have to pay GST. They have to pay 5% GST on fertilizers, 12% GST on tractors, 18% GST on pesticides. Farmer after farmer told me that they do not get the minimum support price. This is the situation that the farmers of Karnataka and the farmers of our country are facing. At the same time, the government is anti-SC/ST. There is a 50% rise in atrocities against our SC and ST brothers and sisters. ee sarkara banda mele ivattu paristhati parishta pangala janagara mele 50% ದೌರ್ಜನ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಮನಿ ದಟ್ ವಾಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಎಸ್ ಟಿ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡೈವರ್ಟೆಡ್. 8,000 crores ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡೈವರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಯು ಅಂಡ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ಯು. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ವಿ ವರ್ ಇನ್ ಪವರ್ ವಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ದ ನಂಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಕಮಿಟಿ, ಅನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಎಸ್ ಟಿ ರೆಸರ್ವೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ 3% ಟು 7%, ಅಂಡ್ ಎಸ್ ಸಿ ರೆಸರ್ವೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ 15% to be increased to 17%. Why is the BJP government refusing to implement this? The BJP government in Karnataka should stop making excuses and should implement this at once. I would also like to remind you that it was the BJP that said Article 371
could not be carried out. Both Mr. Vajpayee and Mr. Advani refused to do it. And it was the Congress party that gave you 371. And we gave it to you because we recognized that you were struggling. And the result has been thousands and thousands of youngsters have got an opportunity, have got employment. Thousands of crores of rupees has been spent on development of this area. And lakhs of students have got admission in medical and engineering colleges and other courses. I would like to conclude by saying we have a long relationship between my family and Bellary. My mother fought an election from here and got wholehearted support from the people of Bellary. And my grandmother Indira Gandhi ji fought from Chikmagalur. So I cannot forget that. I'd like to also thank all of you for walking with us. And I got to understand the heat that you face in Bellary. And we are not even in the full summer right now. So walking in the streets, I was thinking about how difficult it must be to be a farmer or a laborer in full summer in Bellary. And I would like to tell all the farmers, all the laborers and all the small and medium business people in Bellary that we will help you when we come to power. We will help you, we will make your life easier, and we will support you the way a government should. Thank you for walking with us. Thank you for your love and affection. Thank you for your help. Namaskar.